पेट्रोल डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें एक नया रिकॉर्ड बना रही है। भोपाल में या फिर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 36 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल आज 114 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। हम भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि हम भोपाल की कीमतें बताएं, हम आपको बताते हैं कि अनूपपुर में तो 118 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें पहुंच चुकी है। ये आप देखिए भोपाल की तस्वीरें, 114 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर आज पेट्रोल बिक रहा है, तो वहीं डीजल 104 रुपए 11 पैसे की दर से बिक रहा है। देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले ये कीमतें कहीं ज्यादा है पेट्रोल डीजल की, लेकिन अनूपपुर में पेट्रोल आज 118 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, तो डीजल 107 रुपए प्रति लीटर की दर से। बालाघाट में यही पेट्रोल 117 रुपए प्रति लीटर की दर से फिलहाल बिक रहा है, जबकि डीजल वहां 106 रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये सब बताता है कि किस तेजी से पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन जो आम आदमी है अगर देखें तो उसके सामने क्या कठिनाइयां हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? 100 रुपए का डलवाया सर। आया 1 लीटर भी नहीं आया? नहीं आया सर। अब पहले और अब में कितना अंतर आया है पेट्रोल? बहुत फर्क आया है। पहले 100 रुपए में 2 दिन गाड़ी चलती थी, आज 1 दिन नहीं चल रही है गाड़ी। कैसे मैनेज कर रहे होंगे आप? कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं, जरूरत है तो कर रहे हैं, नहीं तो घर बैठो फिर पैदल करो। आप देख सकते हैं लोगों को इस बात का काफी ज्यादा दुख है, दर्द है कि आखिरकार इतनी ऊंची कीमतें क्यों हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें उन पर क्या असर डाल रही हैं। ये अगर आप देखें तो कार्ड से भुगतान कर रहे हैं पेट्रोल जो इन्होंने अपनी बाइक में आज डलवाया है, और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना पेट्रोल डलवा भैया आपने? 100 रुपए का। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले और अब में कितना अंतर आ गया? पहले कितना डलवाते थे, यही 100 रुपए का कितना चल जाता था? पहले बहुत चलता था, अब तो पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया कब नहीं हुआ। कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले, ये तो हमेशा बढ़ाते रहते, कम का तो है ही नहीं है कि कम करें, लगता है कि और बढ़ेगा, अभी तो कम की तो उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल। लोगों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद तक छोड़ दी है। ये भोपाल की तस्वीर है, हम आपको बता रहे हैं ये, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसी हम आपको बता दें कि कमोडिटी बन गई है जो कि जरूरत है लोगों की। उन्हें घर से बाहर निकलना है, काम पर जाना है, कहीं भी जाना हो तो पेट्रोल डीजल गाड़ी में होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा वैट लगता है पेट्रोल और डीजल पर, वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की ऊँची कीमतों से हलकान हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।